ऐसा पुराना ढाबा मैंने तो भाई कभी नहीं देखा हाईवे के ऊपर। भट्टी वाला खाना ना स्वाद का मैच नहीं कर सकता। नहीं होता। पहली चीज के साथ पहला प्यार, ये चीज लगा लो। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाली है। अभी मैं खड़ा हूँ भाई नेशनल हाईवे के ऊपर, और नेशनल हाईवे के ऊपर आपको लेके आए एक ऐसी जगह पे जो हाईवे से थोड़ा हटके जगह पर, यहाँ का खाना भाई इतना ज्यादा कमाल है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने। हम भी आए भाई रात को खाना खाने, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का खाना जो है बहुत ही ज्यादा कमाल। फटाफट आ जाओ मेरे साथ। ऐसा पुराना ढाबा मैंने तो भाई कभी नहीं देखा हाईवे के ऊपर। ढाबा के अंदर एंटर करते ही तंदूर है, और तंदूर वाले भैया लगे हुए यहाँ पे रोटियाँ बनाने, और ये आगे देखो इधर तड़के लगाए जा रहे हैं, और एकदम देसी वाइब है जी पूरी। ओनर साहब के पास चलते और मिलते हैं जी। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर थैंक यू, सबसे पहले तो आपका आपने अपना टाइम दिया, मेहरबानी। सर नाम बताइए आप अपना। दीपक कुमार जी। दीपक भैया बहुत तारीफ सुनी आपके ढाबे की, लोग काफी तारीफ करते हैं कि हाईवे के ऊपर बहुत ही आप कमाल का खाना बेचते हैं जी। सर कितने साल पुराना ढाबा अपना? 1977। यार 1977 का ढाबा, और ये वाइब चेक करो, पुरानी वाइब है। ऐसे ढाबे आज की डेट में देखने को नहीं मिलते। ये पीछे पूरी लुक है ढाबा की। और सर शुरुआत किसने की थी इस ढाबा की? हमारे फादर साहब ने। तो अंकल जी भी साथ में अभी दाल बना रहे हैं भाई। ये वाइब एक बार दोबारा देखो, पूरे बर्तन पड़े। ये सर सामने दाल लगा रहे हैं आप जी। एक बार सर दिखाइएगा भट्टी अपनी, एक बार दाल उठाइए। ये देखो भाई नीचे कोयले की भट्टी है, और ऊपर पीतल की कढ़ाई के अंदर ही दाल बनाई जा रही है। ये पीतल का ही है सर ये कड़छी भी। ये देखो ये सामने दाल लग रही है, एकदम खोलती हुई दाल है, और ये भी पीतल की कड़छी है जी। वाह, और देखो एक बार अंदर से दाल, यार क्या कैरामलाइज दाल हुई है। दीपक भैया इसको कितने घंटे लगते हैं बनाने में? वैसे तो लगते हैं कम से कम 5-6 घंटे, ठीक है। हम इसको फिर भी 12-13-14 घंटे रहती है ऐसे। हाँ। और भाई कोयले के ऊपर रहती है ऐसे। सर आधी रात को तैयार होती होगी फिर ये? सुबह रखी 11 बजे, रात को उतारेंगे 1-2 बजे के करीब। वाह यार, सुबह 11 बजे रखी है और कोयले के ऊपर एकदम गाढ़ी दाल है। दीपक जी बाकी सब्जियां भी दिखाइए। ये है दाल, ये बनी थी कल, आई चाय खिलाई जा रही है। अच्छा, मतलब जो कल रात को तैयार हुई है वो आज पूरा दिन यूज होगी? ये दाल है आज की। अच्छा, ये कल खिलाई जाएगी? ये कल खिलाई जाएगी भाई, पूरा दिन खोलेगी, मतलब 2 बजे तक कड़ेगी, तो कल सुबह ही मिलेगी ग्राहकों को। और ये सर आगे क्या हो रहा है, ये चीज क्या बन रही है? चीज टमाटो की ग्रेवी। ये देखो जी चीज टमाटो की ग्रेवी बन रही है। तो ये सर ये कब, आज के लिए तैयारी हो रही है कल की? ये कल के लिए। अच्छा, इसको भी पूरी रात खोलाओगे बढ़िया से? नहीं, ऐसे है ये 2-3 घंटे उबलेगी अभी। अच्छा, उसके बाद ठंडी होगी फिर कल खिलाई जाएगी। तो भाई यहाँ पे नाला रोट और कॉर्नफ्लोर वगैरह यूज नहीं करते गाढ़ा करने के लिए, नेचुरली गाढ़ा करते हैं। नीचे भट्टी लगी हुई है और प्रॉपर सेकी जा रही है जी। वाह बहुत ही बढ़िया। सर एक मैंने कढ़ी की तारीफ बहुत सुनी, कढ़ी बहुत कमाल है, वो भी दिखाइए। ठीक है। ये यहाँ का कढ़ी और पकौड़ा, और बहुत ही फेमस है यहाँ की कढ़ी, लोग दूर दूर से आते हैं। पकौड़े के सर किस चीज़ के होते हैं इसके? हम निकालते बेसन के। बेसन के, और साथ में सर क्या सब्जी है वो भी दिखाइए? आलू गोभी। ये भाई आलू और गोभी, वाह वाह पाजी, ये तो एकदम घर के जैसी है। मसाले मैंने देखा दीपक जी आप कम डालते हैं मसाले, बिल्कुल नॉर्मल। बैंगन भरते में, ठीक है जी, राजमा में, ठीक है, आलू गोभी, लाल मिर्च पड़ती है। ओके, और किसी में नहीं पड़ती। किसी सब्जी में लाल मिर्च भी नहीं डालते? नहीं, नहीं। बहुत ही बढ़िया। सर बैंगन के भरते का नाम लिया वो तो दिखाइए आप। अच्छा, ये सामने लग रहा भाई बैंगन का भरता है, देखो भट्टी के ऊपर। वाह यार एकदम कमाल की लुक आ रही है, बहुत ही ज्यादा शानदार। सर एक पनीर भुर्जी की, मैंने अभी कस्टमर्स काफी आए हैं जी, जो हमारे सब्सक्राइबर्स, उन्होंने बताया कि पनीर की भुर्जी यहाँ पे ट्राई करो, वो भी एक बार बोल लगा के दिखाइए दीपक जी, वो खाते हैं। तो यार ये मनोहर ढाबा की स्पेशल पनीर भुर्जी लगने जा रही है। प्याज आ गया साथ में, आ गए अदरक के लच्छे, और बीच में जी थोड़ी सी हरी मिर्च, मिर्च वगैरह अपने हिसाब से हम डलवा सकते हैं ना सर जैसी चाहिए हो। बहुत ही बढ़िया यार, ये बढ़िया से टॉस की जा रही है, जो वाइब है यार देसी है। दोबारा आपको बता रहा हूँ, देखो आप सामने भी देखोगे ना ये फ्लोर है, जितने कस्टमर्स हैं सारे पुराने ही आपके पास आने वाले ना, दूर दूर से आते हैं लोग पुराने। तो भाई जो ढाबा है ना वो थोड़ा छुपके है, मेन रोड सामने देखो, मेन रोड से नीचे उतरना और ये ढाबा आता, तो जिनको पता वही लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने जी। सर जी, तो यार प्रॉपर ना तड़का, 5 मिनट हो गए मेरे को तड़का, अब जाके प्रॉपर खुला और सर ने डाल दिया इसके अंदर दूध। हुआ सर भट्टी पे काम करने का ये, इसको टाइम बहुत लगता है सब्जी को है ना, एक सब्जी को कम से कम 15 मिनट चाहिए आराम। तो ये देखो बढ़िया से प्याज कैरामलाइज हो गया, क्योंकि स्लो हीट है, इसमें जो खाना बढ़ेगा ना स्वाद ही उसका अलग आएगा। आ रहा है प्रॉपर पनीर अब ऊपर, हाथों से क्रश करके एकदम बढ़िया। ऐसी सेम चीज़ मैंने एक जगह खाई थी जम्मू में, अब वही चीज़ भाई पंजाब के अंदर मिल रही है, देखो एकदम प्योर देसी बढ़िया पनीर भुर्जी। वाह सर कितने की प्लेट रहती है अपनी पनीर भुर्जी की? 200 रुपये की। ये देखो भाई पूरी क्वान्टिटी के अंदर पनीर आ रहा है। वाह सर, जैसे भी तो बाकी मॉडर्न ज़माने वाले सारे लोग तो हो गए शिफ्ट भट्टियों पे, आपने क्यों नहीं भट्टियाँ चलाई अभी भी इस पे चूल्हे पे क्यों बना रहे हो? हमको मज़ा जहाँ पर आता इस पे ही आता है मज़ा, और खाने का स्वाद भी मेरे ख्याल इस पे बढ़िया आता होगा, अलग आएगा। वाह
तो जो स्वाद यार खाने का वो इसी पे आएगा ट्रेडिशनल वे में, जो भट्टी वाला खाना ना वो स्वाद का मैच नहीं कर सकता। नहीं होता। ये देखो भाई पनीर भुर्जी होगी तैयार और आ गई फाइनली प्लेट के अंदर। हुआ एकदम गर्मा गर्म पनीर भुर्जी भाई, वो लुक चेक करो प्योर देसी। चटनी शुरू हो गई है दाल के लिए, अदरक के लच्छे आ गए घी के अंदर। जो भी आप यहाँ पे सब्जी और ऑर्डर, दीपक जी मिनिमम 15 मिनट 15-20 लग जाते हैं, 25 लग जाते हैं भाई, मिनिमम 15 से 20 मिनट दो, क्योंकि यहाँ पे काम जो है ना भट्टी के ऊपर नहीं हो रहा, चूल्हे के ऊपर हो रहा है। ये टाइम लगता है पर जो स्वाद मिलेगा वर्थ वेट हो जाएगा ना सर, अगर 15-20 मिनट वेट किया तो चीज़ बिल्कुल स्वाद मिलेगी, अच्छी मिलेगी। दाल के अंदर आ गया बढ़िया से टमाटर, वाह वाह वाह। और सर अगर किसी को नई तड़का में टमाटर डलवाना दाल में तो वो ना डलवाए ना, अपने हिसाब से तड़का लग जाता है भाई। जो मज़ा आ रहा है, जो वाइब आ रही है यहाँ पे वीडियो बनाने के, क्योंकि प्योर देसी ढाबा है और एकदम देसी फील है। तो ये देखो प्रॉपर तड़का तैयार हो गया, अब इसके अंदर आएगी भाई घोटी बढ़िया दाल, एकदम कमाल की। वाह यार सर कोई क्रीम नहीं डालते फिर भी इतना गाढ़ापन रहता है, वाह यार। तो नेचुरल ही है भाई, प्रॉपर कड़ कड़ के दाल इतनी बढ़िया बन गई है, वाह जी वाह। और ये फुल प्लेट है सर ये जी, क्वांटिटी भी चेक करो भैया पैन के अंदर ही। तो यार बहुत देर बाद ना टिपिकल ऐसे ढाबे पे आया हूँ जहाँ पे एकदम देसी खाना है। देखो आलू गोभी पनीर भुर्जी, साथ में है यार दाल, और ये लच्छे पराठे का साइज देख रहे हो कितने बड़े बड़े लच्छे पराठे हैं। बढ़िया से बाइट लेते हैं पराठे के साथ, शुरुआत करते हैं आलू गोभी सूखी सब्जी के साथ, रायता वगैरह भी मिल जाता, सब कुछ मिल जाता, अभी ख़त्म है। यार पहली चीज़ के साथ ही ना, मतलब पहली चीज़ के साथ पहला प्यार, ये चीज़ लगा लो। एकदम बढ़िया आलू गोभी है, इसमें एक होता ना कम स्पाइसी ज़्यादा स्पाइसी, इसमें बिल्कुल न्यूट्रल, वो स्वाद की आपको जचेगा ही जचेगा। बढ़िया खुली हुई। और आ गया जी आओ दाल मखनी, इसमें मक्खन लगवाया, मक्खन डलवाया बीच में, अगर आपको नहीं चाहिए बिल्कुल देसी टच चाहिए तो भाई मक्खन मत डलवाना। और लच्छा परांठा के साथ दाल मखनी, ओए होए ये डुबकी, ओए होए। ओहो भाई ऐसी घुली हुई दाल है ना, पास से देखो एक बार, ये देखो एकदम प्रॉपर घोटी हुई है। दाल खाने के फैन हो और जा रहे हो इस हाईवे पे अमृतसर साहिब जा रहे हो तो ये मिस मत करना, पक्की बात लिख के दे रहा हूँ, अमृतसर शहर के अंदर भी ऐसी नहीं मिलेगी। अब आओ भाई पनीर भुर्जी, मैं वैसे शौकीन हूँ वो ग्रेवी व्रेवी वाले पनीर खाने के, पर आज है नहीं कल मिलेगी वो, आप आओगे वीडियो देख के शायद आपको मिल जाए। ये देखते हैं अब कैसा स्वाद है भाई, कमाल का स्वाद है। पनीर एकदम सॉफ्ट घुली हुई, दूध जैसी होती है ना दूध, वो डाला पनीर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है देखो। और अगर आप बिल्कुल देसी खाना खाने के शौकीन हो तो भाई मत छोड़ना। तो भाई जब इस हाईवे पे आओगे करतारपुर जगह का नाम है, यहाँ पे आपको मिलेगा पुराना मनोहर ढाबा, असली वाला वो है भाई जो रोड से नीचे उतर के है, जलंधर क्रॉस करके आएगा अमृतसर से पहले आएगा। यहाँ पे आओ खाओ और भाई मौज बनाओ, कमाल का खाना है।